हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम लोग म्यू को पकड़ेंगे और बिल्कुल पकड़ेंगे आज। तो सबसे पहले कैंटो रीजन में अपने 100 पोकेमोन्स करने हैं, जिसमें कि मेरे 98 हो चुके हैं, तो मैं अब 100 करने जा रहा हूँ। सो गाइस, म्यू को तो पकड़ेंगे, पर आप लोगों से जो मैंने बोला है वो आप लोग इतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मतलब कर ही नहीं रहे हैं आप लोग। भाई कर दिया करो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। सो गाइस, ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही दो यार, कल का इंतजार मत करो, नेक्स्ट वीडियो का वेट मत करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आज म्यू पकड़ रहे हैं, कल म्यूटू पकड़ेंगे। और गाइस, इंडिया में ये गेम खेलना इतना इजी नहीं है। सो इतना कुछ बोल दिया मैंने, इसका मतलब इतना नहीं है, पर देखते हैं कितना लोग सपोर्ट करते हैं, कितना लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। सो अपन अब ये कुछ पोकेमोन है जो कि फाइटिंग टाइप है, इनका जो ओरिजिन पोकेमोन है, बेस पोकेमोन है, सेम है, पर इनके जो इवॉल्व होके वर्जन आते हैं वो डिफरेंट हैं। तो इन सबके नाम भी लगभग सेम ही है, हिटमोन। तो हिटमोन ची है, हिटमोन ली है, हिटमोन टॉप है, तो ये हिटमोन चैन है, सॉरी। तो ये इनके ऐसे ऐसे नाम है। तो ये एक है हिटमोन ली, शायद हिटमोन ली मे बी। सो गाइज, ये जो पार्ट है ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके 100 पोकेमोन्स कैंटो रीजन के नहीं होंगे, तब तक आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, और गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा तो आप उन्हें नहीं पकड़ सकते। सो गाइज, आज एक इवेंट भी था, इंसेंस डे नाम का इवेंट था आज, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया। मेरे पास तो पोकेमोन बॉल्स की शॉर्टेज पड़ गई थी, तो मैंने काफ़ी स्किप किया उसको, सिर्फ काम के पोकेमोन ही पकड़े हैं। सो गाइस, जो म्यू है वो एक मिथिकल पोकेमोन है, और इस पोकेमोन पे दो एक्सपेरिमेंट हुए। वो दो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को शायद पता हो, एक था जिसका रिजल्ट था डिट्टो, और एक था जिसका रिजल्ट है म्यूटू। सो गाइस, म्यूटू को बेस्ट पोकेमोन बोला जाता है, क्योंकि वो म्यू की हर चीज़ कॉपी कर चुका है लगभग। सो गाइस, यहाँ पर हमारे को गोल्ड मेडल मिल चुका है, तो लेट्स गो टू कैच म्यू। सो गाइस, म्यू को मैं पकड़ने में थोड़ा यहाँ जल्दीबाजी कर रहा था, और जैसे कि म्यू को हम एआर मोड में पकड़ते हैं, तो मैंने एआर मोड की तैयारी कर रहा था और स्टार्ट इनकाउंटर पर क्लिक किया, फिर देखो क्या होता है। सो गाइस, म्यू है बहुत छोटा सा है, प्यारा सा है, पिंक कलर का है, जो कि हमारे सामने आने वाला है कुछ ही देर में। ये एक एआर मोड की तैयारी चल रही है। सो मैं बता रहा था म्यू के दो एक्सपेरिमेंट, डिट्टो और म्यूटू। सो म्यूटू जो था टोटली फाइटिंग टाइप है, और डिट्टो ऐसा पोकेमोन है जो किसी का भी रूप ले लेता है। सो गाइस, म्यू के बहुत अटैक हैं, बहुत सारे अटैक हैं, और जो म्यू की हाईएस्ट सीपी है वो 3000 तक चली जाती है शायद, पर उतनी सीपी के लिए भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो गाइस, मेरा गेम यहाँ पर लैग हो चुका है, तो आप देख रहे हैं मेरा फ़ोन भी लैग कर रहा है। ये म्यू का कमाल है, म्यू की ताकत आप मेरे लैग होते हुए फ़ोन से देख सकते हैं। सो गाइस, म्यू आने वाला है, और आप सब रेडी रहें सब्सक्राइब दबाने के लिए। भाई सब कर रहे सब्सक्राइब, जो भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ यार, मुझे दिखता है कि यार जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप करें सब्सक्राइब यार, बहुत ज़रूरत है। और इतना तो मैं आपको बोलूँगा भैया, आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जैसे जैसे हमारी फैमिली बड़ी होगी वैसे वैसे इन्जॉयमेंट होगा भाई। और गाइज, बहुत कुछ नया होने वाला है, अभी अपना अवरा डे भी आने वाला है, उससे पहले अपना म्यू पकड़ने वाला एक इवेंट आ रहा है, वो पूरा वीक चलेगा, और अवरा डे आने वाला है। सो गाइस, म्यू पकड़ते हैं, पिछली बार जो हुआ सो हुआ, तो ये मैं बता रहा है कि हमें म्यू को पकड़ लेना चाहिए, प्रोफेसर और उनकी बातें। सो गाइस, ये जो किया है, और ये भैया सारी कहानियाँ खत्म हो जाती है। ये देखिए, बहुत जल्दीबाजी में हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में हूँ। म्यू क्या है, रोटेट करेगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सो जिन लोगों ने पकड़ रखा है
और जिन लोगों ने नहीं पकड़ा है वो देख लें इसको। कुछ ऐसा खेल होता है इसमें, और जैसे बॉल हिट होती है इसमें कुछ ग्रेट एक्सीलेंट कुछ नहीं होता इसमें, ना ही कोई बॉल घूमती है ना ही एम का कुछ आता है। ये तो फिर भी ऐसे में आ रहा है जैसे कि एआर मोड में तो बिल्कुल अलग आता है, जिसको एआर मोड में करना भी चाहता था और नहीं करने का मौका भी नहीं मिला मुझे। सो आप देख रहे हैं यार ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। सो गाइस वीडियो को एंड तक आप देख रहे हैं तो भैया लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो यार, ज़्यादा दूर नहीं है वो बटन, और अगर मार के देखो भैया बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा भैया। तो 151 पे आ चुका है हमारा म्यू, 1374 CP का है ये, और बाकी हम रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं तो हमें 20 इसमें मिलेंगे और म्यू कैंडीज, और हमें मिलेगी 5000 स्टारडस्ट, और हमें मिलेगा एक ये अंडे वाला क्या बोलते हैं यार इनक्यूबेटर मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। सो गाइस म्यू पकड़ लिया, अब अगला टारगेट हमारा मिल्टन है, तो मिल्टन पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये देखिए, ऐसे आता भी ये मेरी रूम की दीवार आपने देखी होगी, नारियल के तेल के जो निशान थे वो भी आपने देख लिए होंगे। सो ऐसे में म्यू हम पकड़ते हैं, पर वो सौभाग्य हमें नहीं मिल पाया और हमें चाहिए भी नहीं था, क्योंकि यार वो सेंटर दिखाना चाहता था जो दिख गई आपको गलती से। सो गाइज हमारे पास म्यू आ चुका है, अब मेरे जिन दोस्तों के पास म्यू नहीं है मैं उनको दिखा के थोड़ा सा जलाना भी चाहता हूँ, पर भाई ये एक ऐसा है जो आप सबको मिलेगा, जो पोकेमोन को खेलता है जो थोड़ा डेडिकेटेड है उसको पक्का ये पोकेमोन मिलेगा। बहुत क्यूट है यार, बहुत प्यारा है, इसके बहुत सारे अटैक्स हैं, चेंज करते रहिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, रेटिंग अच्छी है इसकी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई इंग्लिश में बोला है इस बार, प्लीज़ कर दो यार, कर दो कर दो कर दो कर दो, थैंक यू भाई।